ट्रेलर और प्रोमोस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आए दिन YouTube पर किसी न किसी नई फिल्म का ट्रेलर या फिर किसी वेब सीरीज का प्रोमो रिलीज किया जाता है और इसी के चलते प्रोमो या फिर ट्रेलर एडिटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक अच्छा प्रोमो एडिटर वही है जो एक 3 घंटे की स्टोरी को सिर्फ 3 मिनट में बता दे, एक अच्छे साउंड डिजाइन म्यूजिक के साथ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिना स्पॉइलर दिए। कुछ लिया है क्या तुमने? और यहाँ पर मैं भुवन बम की जो वेब सीरीज आने वाली है, ये वरदान है या श्राप, उसी का एग्जांपल लेकर मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि एक अच्छा ट्रेलर कैसे एडिट करते हैं। आपको ओवरऑल वो एक प्रोमो दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूंगा तब आप समझ जाओगे इस पार्ट में ये करना है, इस पार्ट में ये करना है। तो चलिए आइए ताजा खबर के ट्रेलर का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ओपन। ट्रेलर के जो फर्स्ट 10 सेकंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर देखोगे तो वहां पर उन्होंने 5 सेकंड का बहुत एक फास्ट पेस इंट्रो बना दिया था। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स करती हैं, बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं जिससे ऑडियंस हुक हो जाए। देखो कोल्ड ओपन और इंट्रो में ज्यादा फर्क नहीं है। आपने कुछ प्रोमोज ऐसे देखे होंगे जहां पर सिर्फ एक डायलॉग आता है और फिर म्यूजिक के बाद आपका ट्रेलर या फिर प्रोमो शुरू हो जाता है। अगर मैं ताजा खबर की बात करूं तो वो 14 सेकंड का एक वॉइस ओवर के साथ एक अच्छा सा इंट्रो आ रहा है, जहां पर आपको कुछ स्टोरी के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है, बस उस कैरेक्टर के बारे में आपको ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो रही है कि अच्छा इंटरेस्ट आपका थोड़ा जाग रहा है क्योंकि म्यूजिक अच्छा है। भुवन मैम आपको पहले से ही पसंद है तो उनका जो वॉइस ओवर है, उनकी जो वॉइस है, वही आपको सुनने में अच्छी लग रही है। बड़ा लगा वुल्फ। और अगर मैं इस इंट्रो को या फिर कोल्ड ओपन को और ब्रेक डाउन करूं तो यहां पर आप देखोगे कि 9-10 सेकंड तक तो वो वॉइस ओवर चल रहा है और विजुअल चल रहा है, और 10वें सेकंड से 14 सेकंड तक यानी 2-3-4 सेकंड का एक फास्ट पेस मॉन्टाज आता है, काफी सारे शॉट्स हैं। तो ये एक अच्छा पूरा एक कोल्ड ओपन बन गया है हमारा। और देखो कोल्ड ओपन और इंट्रो में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी ऑफ अ फिल्म, और फिल्म की थीम, फिल्म का इमोशन, कैरेक्टर का इमोशन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप कोल्ड ओपन या फिर इंट्रो में। ये एज एन एडिटर आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी ट्रेलर या फिर प्रोमो उठाकर देख लो, वहां पर इंट्रो के बाद जो आपका कार्यक्रम शुरू होता है ना, वहां पर आप स्टोरी को समझते हो कि ये स्टोरी किसके बारे में होने वाली, ये फिल्म है या फिर वेब सीरीज है, अच्छा इस स्टोरी में ये होने वाला। तो जैसे कि अगर आप ताजा खबर में देखोगे तो 12 सेकंड से 52 सेकंड तक हमारा एक्ट वन चलता है, यानी इंट्रोडक्शन चलता है। गल्ले पे सोया है संडा सा, कितना हुआ पता? लेकिन मेरे साथ जो होने वाला है वो धोखा भी है और यकीन भी। और इस ड्यूरेशन को देखकर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि भैया जो हमारा स्टोरी का हीरो है वो एक सुलभ शौचालय के बाहर काम करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, माँ बाप में लड़ाई होती रहती है, बहुत ऑर्डिनरी सी लाइफ है और वो थक गया है इस लाइफ से और इस लाइफ से निकलना चाहता है। तो एक स्टोरी का जो बेसिक जिस्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, अच्छे अच्छे शॉट्स लेकर, अच्छे अच्छे डायलॉग्स लेकर, विद ग्रेट म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन। तो अगर आप इंट्रो के फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को ध्यान से देखोगे तब आपको एक्टर के एक्सप्रेशन में भी फर्क दिखाई देगा। इंट्रो के फर्स्ट फ्रेम में वो थोड़ा हताश है, बट इंट्रो के लास्ट फ्रेम में जब एक्ट वन शुरू होने वाला है तो उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस। अब इसमें आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट कि भैया उसकी अब लाइफ तो समझ गए, बट अब वो करेगा क्या इस लाइफ को बदलने के लिए, यही हमें एक्ट टू में दिखाया जाता है। मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। 53 सेकंड से लेकर 1 मिनट 12 सेकंड तक हमारा चलता है एक्ट टू। इसमें हमें ये समझ में आता है अच्छा अब इसे ये कुछ मिल गया या फिर इसे कोई सपना आ रहा है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। तो उसमें वो थोड़ी सी उनकी प्लानिंग भी दिखाई जाती है, अब ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो समझ में आता है अच्छा अब जो अपना हीरो है वो इस दलदल से निकलने वाला है, इस गरीबी से निकलने वाला है। तो आपको ये भी थोड़े बहुत शॉट्स के साथ समझा दिया जाता है। एस्केलेशन में यही है कि स्टोरी आपकी और आगे बढ़ती है नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। क्लाइमेक्स हमारा 1 मिनट 12 सेकंड से 1 मिनट 38 सेकंड तक चलता है, जब तक कि हमारा टाइटल नहीं आ जाता। अगर आप 1 मिनट 12 सेकंड के बाद देखोगे तो वहां पर ये बोलता है कि ये मेरे पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। लगता है लखा मेरा पैसे लेके गुल हो गया, मार डालूं साले को। तो यहां पर ये ट्विस्ट आ चुका है कि वो जो कुछ क्रिप्टो की बात कर रहा था उसमें पैसे लगाने के लिए भी तो उसे पैसा चाहिए ना, तो वो उससे शायद उधार लेता होगा और वो पैसे उससे ले लेता होगा और वो शायद हार जाता होगा या फिर कुछ छुपाता होगा या फिर कोई डबल गेम खेलता होगा। तो ये हमारा दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है कि भैया ये स्टोरी लाइन होने वाली है। और यहाँ पर कुछ रिवील नहीं किया गया। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो तो आपको ऊपर की चीजें बता दी गई, लेकिन कुछ सॉलिड रिवील नहीं किया यहाँ पर कि क्या होगा या फिर पूरी स्टोरी। लेकिन आपको एक इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा ये स्टोरी है, मजा आएगा, देख लेते हैं। और जब टाइटल आ जाता है तो आपने हर ट्रेलर या फिर प्रोमो में देखा होगा टाइटल कार्ड के बाद एक ऐसा सीन जरूर आता है जो बड़ा कंफ्यूज कर देता है। यार ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर क्यों खड़ा है? और जब आप वो फिल्म देखते हो तो वहाँ पर उसका कुछ मीनिंग ही अलग निकल जाता है। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने जो टाइटल के बाद सीन लगाया वहाँ पर वो बड़े अच्छे लिबास में खड़ा हुआ है कार के पास, स्मोकिंग कर रहा है, लग रहा है वो अमीर बन गया, पैसे आ गए उसके पास। लेकिन जब आप वेब सीरीज देखोगे, अभी रिलीज ही नहीं हुई तो मैं कैसे देखूंगा, तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकल रहा होगा वहाँ पर। तो प्रोमो एडिटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डायलॉग्स और जो बेसिक सीन चल रहा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाद, होता है साउंड डिजाइन और म्यूजिक। और अगर आप ताजा खबर का एग्जांपल लो तो इसमें भी एक टिपिकल साउंड डिजाइन ही किया गया है जो हर प्रोमो में होता है, जो हिट्स होती हैं। मुंबई का किंग
एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए सिनेमैटिक हिट्स भी बोलते हैं। जब हम प्रोमो में कोई फाइट सीक्वेंस दिखा रहे होते हैं तो वहां पर हम विशेस का यूज करते हैं हमारे पंचेस को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। और अगर आप म्यूजिक की बात करो तो ताजा खबर में भी हर स्ट्रक्चर के लिए एक अलग म्यूजिक यूज किया गया है। कोल्ड ओपन में एक अलग म्यूजिक था, फिर एक्ट वन में एक अलग म्यूजिक था, फिर एक्ट टू में एक अलग म्यूजिक था, एक्ट थ्री क्लाइमेक्स में अलग म्यूजिक था। तो प्रोमो एडिटिंग में यही होता है कि आपको म्यूजिक के काफी सारे वेरिएशन यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ एक म्यूजिक है और आप वही म्यूजिक पूरे प्रोमो में लगा रहे हो तो आप प्रोमो एडिटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हो, मजा नहीं आएगा देखने में। आपका ग्राफ काफी ऊपर नीचे होना चाहिए म्यूजिक का। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने दृश्यम 2 के एडिटर के साथ पॉडकास्ट रिलीज किया था, उसका इंट्रो देख लो। उस इंट्रो में आपको म्यूजिक का सेंस पता चलेगा, वो मैंने भी वहां पर एक्सपेरिमेंट किया था। और अगर आपको उसकी टाइमलाइन देखनी है तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी थी, वहां पर टाइमलाइन के साथ भी आप देख सकते हो कि जो मेरे फर्स्ट 5 सेकंड्स थे उसमें मैंने कुछ अलग ही म्यूजिक यूज किया, फिर बाद में जो आगे पूरा इंट्रो चलता है उसमें अलग म्यूजिक है। यहां पर मैं आपको एक बोनस टिप जरूर देना चाहूंगा ट्रेलर एडिटिंग के लिए। सबसे पहले आप अपने मेन डायलॉग्स को अपनी टाइमलाइन पर ले आओ। जो डायलॉग्स, जो सीन आपका ट्रेलर में मेन प्रोमो में जाने वाला है, पहले आप उनको छांट लो, उनको अपनी टाइमलाइन पर ले आओ। उसके बाद बाकी साउंड डिजाइन, म्यूजिक और जो ग्राफिक्स होते हैं उन पर आना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।